जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। वो मंजर तसव्वुर कर रहा हूं जब पार्लियामेंट का पहला दिन लोकसभा में इंशाल्लाह पांचवी मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दाखिल होंगे, उनके पीछे मेरे भाई अख्तरुल ईमान साहब दाखिल होंगे, और उन्हीं के पीछे जब मेरा दूसरा भाई राणा भी अंदर आएगा लोकसभा में, तो मैं वो तसव्वुर कर रहा हूं कि मोदी और अमित शाह के चेहरे उस वक्त कैसे हो गए, और ये आपस में पूछ लेंगे, अरे बाप रे ये कहां से आ गया है, और वो भी मजलिस के तरफ से। भाइयों, मैं महाराष्ट्र से चलकर आया हूं, आप लोगों को सलाम करने के लिए आया हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, लोग समझेंगे कि वहां पर भाजपा की हुकूमत है, कोई कहेगा कि वहां पर शिवसेना की हुकूमत है। बंबई अगर सही मायनों में कोई चलाता है तो वो मेरा बिहार का नौजवान चलाता है। इसीलिए जब आपके बारे में ये कहा जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता है, सुबह आते वक्त किसी ने मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भेजा, जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों कटोरा उठाओ और यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुका करता हूं। ढाका के नौजवानों की तरफ से, ढाका के तमाम मुसलमानों के, दलितों के, राजपूत समाज के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले, ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है, और तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन, और तुम भी सुनो। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को, अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तू मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं, ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, हमारे पुरखों ने यह कहा कि जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे, और तू हमें ललकार रहा है इतने से राज्य के टकले। पाकिस्तान चले जाओ, मैं आधा कहूंगा आधा तुमने कहना। ए योगी, ये मुल्क तेरे, ये मुल्क तेरे, आधा मेरे ऊपर करो आधा उधर करो। नहीं तो बैठे हुए हैं लालू के अंटर पंटर आ जाएंगे कि योगी को गाली दिया, मैंने नहीं दिया, आधा मैंने दिया आधा इन्होंने दिया, घंटा मिलता तुम्हारे को।
नहीं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण करके गया। मैं क्या करा, मैंने आधा करा, मैंने सुनो, अब सुन लो आधा। मैं ये मुल्क तेरे, इतना बोलने पे कुछ होता? आदिल भाई लॉयर है, कुछ होता? आप वकील है, अगर कुछ करा तो उसको बोलना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुझे, कुछ नहीं देने वाले हैं हम। दिक्कत ये हो गई है, जो आ रहा है समझ रहे हैं हुकूमत है तो कुछ भी बोल लेंगे। एक बात सुन लो, हम जब तक शरीफ है तो बड़े शरीफ है। शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, हम जरा से शरीफ क्या हुआ, सारी दुनिया घुसा दो अंदर ही, घुसा दो पूरा कैमरा हमारे अंदर। अब जितना बोलना है हम बराबर बोल के चले जाते हैं, और ये मीडिया वाले रिवाइंड फॉरवर्ड करके ढूंढते रहते हैं कहां पे कहीं मिलता क्या, केस बनता है क्या करके, कहीं नहीं बनता। हमको समझ में आ गया है और हमने इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर हम यहां पे गूंगे बनकर भी अगर खड़े रहे, हम उनको सिर्फ इशारा करें करके बताओ, समझ में आ गया उनको कि 25 तारीख के दिन उनको सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाने की है करके।